मेरा नाम दीपा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम बर्ड्स एंड पेट्स होम वेबसाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नए नए मनी मेकिंग टिप के टिप्स आपको बताते रहते हैं अपनी अपनी वीडियो में, कि आप कौन कौन से तरीके की वेबसाइट, कौन कौन से बिजनेस स्टाइल की वेबसाइट बनाकर आप मनी मेकिंग कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है और घर बैठे आप मनी कमाइए। बस वेब मीन्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको नई नई मनी मेकिंग के टिप्स बता सकूं, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग से रिलेटेड मनी मेकिंग के टिप्स बता सकूं। उसके लिए शैलेंद्र 75 हमारा स्काइप एड्रेस है। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, किसी भी गाइडलाइन को जानने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शैलेंद्र 75 पर। मेरा नाम दीपा अरोड़ा है। Let's start with video. How to make money from birds and pets home website. जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ड्स एंड पशु पक्षियों की होम बनाने की वेबसाइट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको एक भी वेबसाइट इंडियन नहीं मिलेगी। इट मीन्स ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन के लिए, कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपका नाम सबसे ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट गूगल की तरफ से टॉप पर आएगा। आपको इसके लिए मीन्स होस्टिंग SEO करवाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने YouTube पे भी सर्च किया है और उस पर भी सर्च किया है, तो दोनों में से इंडियन कुछ भी नहीं है। सारे फॉरेन के ही पेट्स एंड बर्ड्स के होम्स बनाने की है, जितने भी हैं इंग्लिश में है। हिंदी में कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली मुझे जो मीन्स बर्ड्स के घर बनाने के लिए आपको गाइडलाइन देते हों। सारा इंग्लिश में मिलेगा। अगर आप हिंदी में बनाते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि जो काफ़ी रिच फैमिलीज़ के लोग होते हैं वो अक्सर परचेज़ करते हैं, बट परचेज़ करवाते हैं कहीं से, मीन्स जैसे जयपुर गए, यहाँ ऐसे ऐसे प्लेस पे गए जहाँ पर मेटेरियल लकड़ का काम होता है, वहाँ से परचेज़ करके लाते हैं। उनको एक अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं मिल पाती है। आप उन्हें अच्छी फ़ोटोएँ दिखाइए और अच्छे डिज़ाइन दिखाइए, और मीन्स अलग अलग तरीके की क्या बेनिफिट हैं और हम मीन्स कैसे, और ये अपने घर को डिज़ाइन करने के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने घर के बाहर पेड़ के ऊपर ऐसा लगा रखा हो कि जैसे ये है, सेकेंड है, फर्स्ट है, और ऐसे ही खिड़की में लगा रखा हो तो बहुत अच्छा लगता है। मीन्स आपकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बाहर घर की डिज़ाइनिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं ये। और प्रिपरेशन इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी, उसके ऊपर कंप्लीट मटेरियल लिस्ट देनी होगी कि कौन कौन से तरीके की हमारे पास कौन कौन से पशु पक्षियों के घर अवेलेबल हैं, उनके स्टाइलिश नेम होने चाहिए, और आर्किटेक्ट डिज़ाइन मीन्स अगर कोई आपको कहता है कि मेरे पास इतनी सी जगह पर मैंने अपने पेट यानी कि डॉग को रखना है, तो उसके लिए घर का डिज़ाइन दिखाइए, तो उसके लिए आपको आर्किटेक्ट्स की तरह डिज़ाइन दिखाना पड़ेगा कि इतनी सी जगह पर इतनी छत बनेगी, इतना दीवारें बनेगी साइड पे लकड़ की, तो ऐसे आप आर्किटेक्ट डिज़ाइन मैप दिखा सकते हैं और डिज़ाइनर फोटो दिखा सकते हैं बर्ड हाउस की। और स्टेप अगर आप ट्यूटोरियल देना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे घर बनाते हैं पशु पक्षियों के, तो आप वीडियो में YouTube पे डाल सकते हैं वीडियो बनाकर, और अपनी वेबसाइट पर भी दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी मीन्स वेबसाइट पर ई बुक भी दे सकते हैं, कैसे कैसे एक एक स्टेप करके आप घर बना सकते हैं पशु पक्षियों का। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मीन्स अच्छा बिजनेस टिप्स है कि आप घर बैठे ये काम करो। चाहे आप ये नहीं भी करना चाहते तब भी आपने क्या आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये। आप सिर्फ टिप्स दीजिए अपनी वेबसाइट पर, और क्या है इसके लिए क्या होगा, मनी मेकिंग टिप्स
मीन्स वेबसाइट के ये काम किए बिना भी आप इससे मनी मेकिंग कर सकते हैं। कैसे? आपने एक ऑलरेडी परचेज वेबसाइट लो, चाहे वो इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो। अगर अमेरिकन वेबसाइट लेते हो तो उसके ऊपर जो गूगल एडसेंस का लिंक लगाया जाएगा, तो गूगल एडसेंस का लिंक अमेरिकन वेबसाइट के लिए हाईली पे करता है, इंडियन वेबसाइट के लिए कम पेमेंट होती है और अमेरिकन वेबसाइट के लिए हाईली पेमेंट होती है। इसीलिए आप अमेरिकन वेबसाइट, ऑलरेडी मेड वेबसाइट परचेज़ करो, जिसमें आपको ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और थर्ड आता है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग, मीन्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉपक्लू, ईबे, आई पेज जैसी स्पॉन्सर वेबसाइट से आप उनसे उनका एफिलिएट लिंक ले सकते हैं। वो एफिलिएट लिंक देते हैं अपनी वेबसाइट, हमें अपनी वेबसाइट पर लगाने के लिए। अगर कोई हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है और उनके लिंक पर क्लिक करता है और क्लिक करके उनकी वेबसाइट से कोई भी चीज़ परचेज करता है, तो वो वाली वेबसाइट, कोई भी ये स्पॉन्सर वेबसाइट हमें एक पेमेंट के तौर पे, मीन्स एक कमीशन के तौर पे पेमेंट प्रोवाइड करती है, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी, इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक लिंक ही तो लगाना है आपने, एफिलिएट लिंक, तो अपनी वेबसाइट पर इससे भी मनी मेकिंग के आप काम कर सकते हैं। और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। shailendra75 हमारा ईमेल एड्रेस, स्काइप एड्रेस है। और आप कभी भी 24 hours into 7 days कभी भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, ऑलरेडी मेड या फिर अपनी, अगर आप अपनी पसंद की वेबसाइट परचेज करना चाहते हैं अपनी पसंद से, हम डिज़ाइनर से भी बनवा कर आपको चेंजेस करा कर आपको अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग यानी कि यूट्यूब प्रमोशन, फेसबुक प्रमोशन कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ये भी गाइडलाइन देते हैं हम। और मनी मेकिंग टिप्स, मीन्स एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें और गूगल एडसेंस का यूज कैसे करें और डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट टिप्स, ये भी प्रोवाइड करते हैं।